हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका श्यूतर विद सपने व्लॉग्स में स्वागत है। सो गाइस, आप देख सकते हैं अभी फिलहाल मेरी हालत अभी ठीक नहीं है। तो जो मेरा स्वेटर है, अभी दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा ठंड है और पूरे महीने रहेगी, जनवरी के भी पूरे महीने रहेगी। इसलिए आप मेरा स्वेट जो मेरा जैकेट है उसको देख के शॉक मत होइएगा, क्योंकि इतना मोटा पहनना हो रहा है क्योंकि ठंड बहुत ही ज़्यादा है। और सुबह स्कूल जाते हो तो ऑब्वियसली सी बात है, सुबह सुबह काफ़ी ठंड लगती है इसलिए। और रहे बात मेरे बालों की, तो आज मैंने बाल स्कूल गई, स्कूल से आई, खाई पी सोई, फिर उठ के मैंने अपने बालों की तरफ देखा तक भी नहीं, मैंने बाल ही नहीं खोले आज। मतलब कि थोड़ा सा आलसीपन हो रहा है, इसलिए सर्दी में तो भाई आलसीपन आ ही जाता है बस। तो फिर मैंने सोचा चलो कुछ बातें बातें कर लेते हैं आपके साथ। तो पहले बात तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगी, जो मेरा अभी ये जो ये सेकंड चैनल है उसमें 18,300 ऐसे कुछ सब्सक्राइबर है जो मेरे हुए हैं कंप्लीट। तो उसके लिए सबसे पहले थैंक यू सो मच। और एक बात कहना चाहूँगी कि प्लीज़, जैसे आपने मुझे दिल्ली व्लॉग शीतल में सपोर्ट किया है, वैसे ही आप मुझे मेरे सेकंड चैनल पे भी सपोर्ट करिए। ऐसे अपना प्यार बनाए रखिए और जितना हो सके मेरे दोनों चैनल में वीडियोस देखिए। तो जैसे कि आप सबको पता है कि बहुत से लोग हैं, बहुत सी फेक आईडीज बनी है मेरे नाम की, जिसकी वजह से फिलहाल अभी लॉस तो हो रहा है मुझे, लाइक मेरे व्यूज़ बट रहे हैं, बिकॉज जैसे मैं डालती हूँ वैसे दो सेकंड में जो फेक आईडी वाले लोग होते हैं वो लोग डाल लेते हैं अपने चैनल पे, जिसकी वजह से हाँ मुझे हो रहा है नुकसान। मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो वीडियोस दूसरी जगह से देख लेते हैं, मेरे जो ऑफिशियल चैनल है उससे देखते ही नहीं है, किस उन्हें दूसरी जगह मिल जाती है। ऑब्वियसली सी बात है वो यूट्यूब में क्यों ही देखेंगे जब उन्हें दूसरी जगह से मिल ही जाता है। तो गाइस मैं प्लीज़ आप लोग ऐसा मत करिए, बहुत ही मुश्किल से हम लोग वीडियोस बनाते हैं। और रही बात, तो अभी तो मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, फरवरी से मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो उसकी भी तैयारी करना, वीडियोस को भी हैंडल करना। अब आप ही देख लीजिए इतनी फेक आइडियाज़ बनी है और मेरे व्यूज़ ना बढ़ रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि जैसे मैं वीडियोस डालती हूँ ना, फेक आईडीज़ में पहले ही चली जाती है वीडियोस, मेरी वीडियोस निकाल के लोग अपने में डाल लेते हैं, जिसकी वजह से मेरे व्यूज़ काफ़ी कम होते जा रहे हैं। क्योंकि लोगों को अब दूसरी जगह से मिल रहा है तो भाई वो क्यों ही देखेंगे मेरे चैनल पे आके। बट प्लीज़ आप लोग ऐसा मत करिए, मेरे आप इतने अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं, प्लीज़ आप मेरे ही ऑफिशियल चैनल पे आके मेरी वीडियोस देखिए, कहीं उसे मत देखिए, क्योंकि उसमें ना मेरा ही नुकसान हो रहा है, आप लोग समझ सकते हैं। और मतलब कि क्या बताऊँ, आप लोग समझ सकते हैं यूट्यूब का लाइक हो रहा है। अब मुझे पता है मैं नुकसान झेल रही हूँ, मुझे पता है कि मुझे कैसा फील होता है। एक तो भाई ये स्टडी की टेंशन, एग्ज़ाम की टेंशन, फिर यूट्यूब ऐसा डाउन सा जा रहा है तो उसकी भी अलग से टेंशन। मैं चाहती हूँ कि मैं टेंशन ना लूँ, बट फिर भी हो जाता है, क्या करूँ। बस भगवान पे ही दुआ ट्रस्ट है, भरोसा है कि हाँ भाई कोई बात नहीं, अभी फिलहाल जो फेक लोग हैं जो मेरे नाम से चला रहे हैं और मेरे मेरा इतना नुकसान कर रहे हैं, वो लोग एक ना एक दिन गिरेंगे, गिरेंगे बुरी तरीके से गिरेंगे। बट क्या ही बता, बस मैं चाहती हूँ कि आप लोग साथ ना छोड़ो, आप लोग साथ रहो मेरे, ऐसे सपोर्ट करते रहो, बिकॉज आप लोग मेरी फैमिली हो यार। प्लीज़ यार ऐसे सपोर्ट करते रहिए और मेरे ऑफिशियल चैनल पे ही आके वीडियोस देखिए, कहीं और से मत देखिए, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिन्होंने फेक बनाए हुए वीडियोस। बस कुछ नहीं मांगती मैं, बस मैं यही मांगती हूँ कि जितने भी मेरे सपोर्टर हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, वो मेरे बस चैनल पे ही मेरी वीडियोस देखिए, बिकॉज दो ही चैनल है, एक तो मेरा जो पहला वाला है और ये दूसरा वाला, ये दो चैनल है, इसमें मैं डालती हूँ। और फिलहाल तो अभी वाला मोनेटाइज नहीं हुआ है, अभी तो मैं बस चला रही हूँ। दूसरा जो मेरा पहला वाला वो तो हो ही गया है, काफ़ी वो मतलब कि वही ऊपर नीचे होता रहता है कि हाँ भाई व्यूज़ नहीं जा रहे, उसकी टेंशन ये वो ये। खैर व्यूज़ का क्या है, प्रॉब्लम्स तो आती जाती रहती हैं, क्योंकि वही है ऊपर नीचे होता रहता है। बट मेरी मेहनत का कोई गलत यूज़ करे मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पसंद। और
भाई मेरी मेहनत को भाई तुम मेरे खिलाफ ही यूज कर रहे हो, नुकसान झेलना पड़ रहा है, अब क्या ही करें, रोक तो सकते नहीं। बस उम्मीद है कि हाँ भाई कोई नहीं, अभी चल रहा है, ठीक है चलने दो, एक ना एक दिन आएगा भाई। खैर बस ये कहना चाहूंगी कि सपोर्ट करिए अपना और अपना प्यार दीजिए, और वीडियो को पूरी देखिए, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, छोटी सी है, और अभी फिलहाल मैं व्लॉग्स बना नहीं पा रही हूँ, व्लॉग्स ज़्यादा डाल नहीं पा रही हूँ मैं, बिकॉज़ घर में ही रहती हूँ, बाहर कहीं जा नहीं पाती, एग्ज़ाम भी मेरे आने वाले हैं उसकी तैयारी की वजह से, तो इसलिए ज़्यादा बाहर जाने को मिलता नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि आप बाहर जाके भी वीडियोज़ बनाइए, तो हाँ आई नो बाहर जाके भी वीडियोज़ बनाना इम्पॉर्टेंट है, बट अभी एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो रही, तो उसकी प्रिपरेशन के चक्कर में जा नहीं पाती मैं, तो जाऊँगी जब भी एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे जाऊँगी। इसलिए छोटी सी वीडियोज़ है, ज़्यादा क्लिप मैंने लिए नहीं, जितने हो सके उतने क्लिप लिए मैंने, तो बस देखिए और सपोर्ट करिए। सो गाइस, इधर शीतल बना रही है पिकनिक। क्या क्या लेके आई रे खाने के लिए? ये क्या है? कुरकुरे। इधर दिखा, सूरत तो दिखा दे। अरे ये देखो क्या लेके आए हैं। नीचे नीचे धूड़ी आई है, नीचे रख नीचे। ये लेके आए खाने के लिए। हम लोग पिकनिक बनाने आज मकर संक्रांति में बनाते हैं ना, तो हम लोगों ने बनाया था जो घर पर, तो लेके आए इधर खाने के लिए। ये क्या है रे? कुरकुरे। हाँ कुरकुरे। कुरकुरे क्या? कुरकुरे कुरकुरे कुरकुरे। जूम है। दीदी बुला रही थी। क्या नाम है? नाम क्या है आपका? रू आपको नाम क्या? शीतल। शीतल जी एक बार कहके चले। और भाई पापड़ कैसे दे रहा भाई? 10 का एक पैकेट। पापड़ भी? हाँ पापड़ भी, पॉपकॉर्न भी। पॉपकॉर्न भी 10 का भाई? स्कूल नहीं जाते? स्कूल नहीं जाते? क्यों? शायद गाइस ये देखी कितनी जल्दी टोपा लगा ले बेटा, टोपा लगा के देखा, टोपा लगा के देखा, टोपा लगा, कैप लगा, कैप लगा। तुझे मेरी कसम अब तो लगाना ही पड़ेगा, लगा जल्दी। सो गाइस आज ये लेके आई है, और ये देखो कितना मोटा है ये, क्योंकि दिल्ली में ठंड बहुत पड़ने लगी। कह रही थी बड़ा सा ले लू, हम दोनों पहन लेंगे, आप भी पहन लेना मैं भी पहन लूंगा ना रे। इधर खाना खा रही है शीतल, स्कूल से आ गई अभी। अभी इस समय बज रहे हैं 3 बज गए, क्योंकि ये 2:30 बजे आई है, 2:30 पर आई है ना, खाते पीते 3 बज गए। जल्दी कर ले बेटा। देखे ऑनलाइन साड़ी वगैरह आते ही पहन ली।